फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम हेयर के बारे में सीखेंगे। तो हेयर के स्टडी के लिए उसे हम क्या कहते हैं? ट्राइकोलॉजी। ट्राई मींस हेयर एंड लॉजी मींस ऑफ द स्टडी, मींस स्टडी ऑफ द हेयर। ट्राइको इज अ ग्रीक वर्ड विच मींस हेयर। Logy means of the study. Trico is hair and scalp, resolve the disorder. Now hair. Hair is a thread like structure. Hair कैसा होता है? Thread जैसा होता है, तो thread like structure होता है। वो किससे, hair किससे बनता है? Made by 19 amino acid. उसमें most important is protein. हेयर में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? प्रोटीन। उसे हम कैराटिन कहते हैं, प्रोटीन कॉल्ड कैराटिन। देयर आर टू टाइप ऑफ कैराटिन। कैराटिन कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक होता है सॉफ्ट कैराटिन, सेकंड होता है हार्ड कैराटिन। सॉफ्ट कैराटिन मेड आर स्किन एंड हार्ड कैराटिन मेड आर हेयर एंड नेल्स। हार्ड कैराटिन कहाँ पे होता है? हेयर एंड नेल्स। Keratin is a bunch of fiber. There are four fiber. Keratin क्या होता है? Bunch of fiber होता है, fibers का पूरा bunch होता है वो keratin. कितने type के fibers होते हैं? Four type के fibers होते हैं। One is micro, second is micra, third is proto, fourth is micro proto fiber. इन सब को हम क्या कहेंगे? Fibril. It called fibril. The most important called the protofiber. सबसे important कौन सा fiber होता है? Protofiber. अब next हम पढ़ेंगे parts of hair. Hair divided by two principal root. One is root and second is shaft. Root. Root under the skin surface is root. Only doctor will work on that non-visible part. This is called living part. Shaft. Shaft outside the skin surface is called shaft. It is dead part. Only stylish work on that and work on visible part. Inside the root structure. Root structure में क्या क्या आता है? First is follicle, second is papilla, third is bulb, फोर्थ इज सिबेसियस ग्लैंड। यहाँ स्पेसियस नहीं है, सिबेसियस ग्लैंड है। इरेक्टर पिल मसल, स्वेट ग्लैंड एंड सेवन इज मैट्रिक्स। फर्स्ट हम फॉलिकल के बारे में जानेंगे। फर्स्ट फॉलिकल, इट इज अ पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर अंडर द स्किन सरफेस। फॉलिकल कैसे रहता है? पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर रहता है उसका, वो स्किन के अंदर के सरफेस पे होता है। विदाउट फॉलिकल हेयर कांट बी प्रेजेंट। फॉलिकल नहीं होगा तो बाल ही नहीं होगा वहाँ पे। तो फॉलिकल इतना, फॉलिकल है तो बाल है। वन इंच हेयर थाउजेंड हेयर फॉलिकल, ईच हेयर ग्रो 25 टाइम्स इन हिज लाइफ। कितना? थ्री टाइप ऑफ हेयर फॉलिकल। कितने टाइप के फॉलिकल होते हैं? थ्री टाइप के। इट विल बी जेनेटिक। जो फॉलिकल रहते हैं वो जेनेटिक होते हैं, जैसे अपने पेरेंट के जैसे बाल होंगे उस टाइप के अपने बाल रहते हैं। जैसे राउंड, जिनका राउंड फॉलिकल है, ओवल फॉलिकल, किडनी शेप। तीन फॉलिकल कौन से है? राउंड, ओवल एंड किडनी शेप। फर्स्ट इज राउंड, राउंड फॉलिकल। इफ द फॉलिकल इज राउंड, हेयर विल बी स्ट्रेट। यहाँ पे फॉलिकल इज राउंड हेयर। फॉलिकल कैसा रहेगा? राउंड में रहेगा तो बाल स्ट्रेट रहेंगे। और ओवल, इफ द फॉलिकल इज ओवल, हेयर बिकम वेवी। किडनी शेप, इफ द फॉलिकल
इज द फॉलिकल इज किडनी शेप, हेयर बिकम एक्सट्रीमली कर्ली. ईच हेयर हैज़ वन फॉलिकल, ईच फॉलिकल हैज़ टू हेयर. सेकेंड इज पैपिला, इट इज नियर बाय द फॉलिकल, इट इज कोन लाइक स्ट्रक्चर, इट हेल्प्स टू स्टोरेज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन थ्रू द बल्ब. Now third is bulb. It is bulb like structure. It is lowest part of the hair follicle. It is responsible to the hair growth. It is attached with blood vessels to supply oxygen and nutrition to hair. Fourth is sebaceous gland. ऑयल सीक्रेट करने वाला ग्लैंड रहता है. इट इज़ नियर बाय द हेयर फॉलिकल, इट सीक्रेट्स नेचुरल बॉडी ऑयल कॉल्ड सीबम. वो नेचुरल बॉडी ऑयल सीक्रेट करता है. फिफ्थ इज इरेक्टर पिल मसल, इट इज़ नियर बाय द सीबेसियस ग्लैंड. व्हेन वी फील द मसल्स विल बी एक्टिवेट, व्हेन वी फील द मसल विल बी एक्टिवेट. It has two point. One will attach with your skin and another will be attached with your hair. Sixth one is sweat gland. It is maintain our body temperature. Sweat gland क्या करता है? हमारे body का temperature maintain करता है. Seven is matrix. It is foundation of cells. कन्वर्ट इंटू केराटिनाइजेशन, केराटिन कन्वर्ट इंटू हेयर. अब नेक्स्ट इसमें हम शैम्पू एंड कंडीशनर का स्टडी करेंगे, थेरोटिकल स्टडी करेंगे. आज के लिए बस इतना ही. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. ऐसे ही आप चैनल देखते रहेंगे तो मैं आगे आगे आपको और ज़्यादा हेयर के और पार्लर के बारे में और थेरोटिकल नॉलेज दूंगी और प्रैक्टिकल भी दूंगी. पहले हम थेरोटिकल पार्ट ही करेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकल का करेंगे. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल.